वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज शिवानी केसवानी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपकी रीजनिंग की क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे हम सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं, सोचते हैं कि इसमें पढ़ने की तो क्या ही जरूरत है और इसे हम बिना पढ़े भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रीजनिंग एक बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसे आप इग्नोर मत कीजिए और इसके टॉपिक जरूर करिए और इसकी प्रैक्टिस भी कीजिए, भले ज्यादा टाइम नहीं दीजिए। अलग अलग एग्जाम की अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है, तो आज हम मेनली तीन एग्जाम्स को फोकस करने वाले हैं, एक तो रेलवेज, एक एसएससी और एक बैंकिंग के एग्जाम्स की। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एसएससी और रेलवे एग्जाम की। तो इन दोनों के एग्जाम की स्ट्रेटेजी अलग रहेगी और बैंकिंग की अलग रहेगी, क्योंकि हमें पता है कि बैंकिंग में जो रीजनिंग होती है वो टफ लेवल की होती है और एसएससी रेलवेज में इजी लेवल की होती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एसएससी रेलवेज की। तो एसएससी रेलवेज में जो भी रीजनिंग आती है, इसके हमें सबसे पहले तो टॉपिक्स को क्लियर कर लेना है। किसी भी यूट्यूब चैनल से आप जाके कर सकते हैं या फिर आपके पास कोई बुक है तो आप उसमें से भी कर सकते हैं। अब सारे पहले तो आप सब्जेक्ट सारे टॉपिक्स को आप क्लियर कीजिए। सारे टॉपिक्स को क्लियर करने के बाद जो भी टॉपिक आप एक दिन में क्लियर करते हैं उसके 50 से 80 क्वेश्चंस आप लगाइए। अब क्वेश्चंस आपको कहाँ पे मिलेंगे, तो गूगल में इजीली अवेलेबल हैं या फिर आप टेलीग्राम चैनल पे आ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे भी मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड कर दूंगी। अब ये इसके क्वेश्चंस लगाइए, तो डेली का एक चैप्टर कीजिए और उसके क्वेश्चंस लगाइए और फिर मॉक तो आप साथ में देते ही रहेंगे, तो मॉक में भी आपको पता चलता रहेगा कि आपका अभी भी कौन सा टॉपिक अभी भी आपका वीक है, उस टॉपिक पे वापस से आप काम कीजिए। इस तरीके से आप बार बार करते रहिए जिससे कि रीजनिंग में आप पूरे में से पूरा स्कोर कर पाएं, क्योंकि एसएससी रेलवेज के एग्जाम्स में रीजनिंग में पूरा स्कोर करना बिल्कुल पॉसिबल है। साथ में आपको जैसे कि एक टॉपिक होता है मिसिंग नंबर्स होता है, तो इन टॉपिक्स पे आपको थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इसमें आपको पैटर्न्स पता होने चाहिए कि किस पैटर्न पे चल रहा है और कौन कौन से पैटर्न्स होते हैं। अब बात कर लेते हैं बैंकिंग की रीजनिंग की। तो बैंकिंग की रीजनिंग बहुत ही टफ होती है। अब इसकी रीजनिंग को हमें कैसे अप्रोच करना है, तो इसकी रीजनिंग के लिए सबसे जो मेन पोर्शन होता है बैंकिंग की रीजनिंग का, वो होता है पजल्स। पजल्स को आप कैसे अप्रोच करेंगे, पजल्स से सबसे ज्यादा डर लगता है हमें कि यार ये हम पजल्स 2 मिनट में कैसे सॉल्व कर लें। कई सारे आप लाइव क्लासेस देखते होंगे तो उसमें आपको दिखता होगा बच्चे 2-2 मिनट में सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है। बिल्कुल पॉसिबल है। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे स्टार्टिंग में 15 मिनट लगते थे, 10 मिनट लगते थे। धीरे धीरे करके मैं डेली प्रैक्टिस करती थी, जिसकी वजह से आज मैं भी 2 मिनट में एक पजल सॉल्व कर लेती हूँ प्री लेवल का। तो इसे आप भी कर सकते हैं। अब आपको करना कैसे है, डेली के 5 पजल्स आपको लगाने हैं, मिनिमम बता रही हूं मैं। अगर आप थोड़े ज्यादा लगाएंगे तो आपके लिए और भी अच्छा है, तो आप मिनिमम एटलीस्ट 5 पजल्स लगाइए। 5 पजल्स लगाएंगे आज, आपको भले ही 15 मिनट लग रहे होंगे या 10 मिनट लग रहे होंगे एक पजल करने में, लेकिन आप धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट देखेंगे। 1-2 महीने जितने भी टाइम तक आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको दिखने लगेगा कि आप धीरे धीरे करके 2 मिनट में भी ये पजल बना पा रहे हैं। तो ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस पे बेस्ड है, आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी क्वेश्चन को क्रैक कर पाएंगे। मेनली जो पजल का क्वेश्चन होता है वो बहुत ही लंबा होता है, लेंदी होता है, उसे पढ़ के उसकी कंडीशंस नोट करना ही बेसिक गेम होता है। अगर आप कंडीशंस अच्छे से नोट कर लेते हैं, जल्दी नोट कर लेते हैं, उतना जल्दी आप क्वेश्चन को क्रैक कर लेते हैं। जहां आपने एक कंडीशन गलत नोट की, वहां पे आपका पूरा क्वेश्चन खराब हो गया। इस वजह से आप कई सारे यूट्यूब पे टीचर्स हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको कोई टीचर नहीं पता है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, आप मुझसे वहां पूछ सकते हैं, मैं आपको सजेस्ट कर दूंगी टीचर का नाम। साथ में आप कई सारे एप्स पे क्विजेस लगाते रहिए, बहुत सारे एप्स हैं जो डेली क्विजेस देते हैं, उन पे क्विजेस लगाइए, डेली के पजल सॉल्व कीजिए। वहां पे टाइम के प्रेशर में आप करना सीखेंगे तो आप एग्जाम मोड में चले जाएंगे। जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो वो आपको सिर्फ एक दूसरा मॉक टेस्ट लगेगा, इसलिए मॉक टेस्ट लगाते रहिए। साथ में आपको इस तरीके से प्रेपरेशन करनी है, और जैसे जैसे आप प्रेपरेशन करेंगे आप देखेंगे आपकी स्पीड भी बढ़ रही है और एक्यूरेसी भी बढ़ रही है, तो इसमें घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। साथ में मैंने रीजनिंग की स्ट्रेटेजी के साथ साथ मैंने मैथ्स की, जीके की और इंग्लिश की भी स्ट्रेटेजी बनाई है। आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन स्ट्रेटेजीज को भी जाके चेक कर लीजिए।
और दूसरे एग्जाम्स की भी मैंने स्ट्रेटेजी बनाई है, जैसे आईबीपीएस, पीओ, आईबी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, और भी कई सारे एग्जाम्स की मैंने प्रेपरेशन स्ट्रेटेजी बनाई है। आप जिस भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं आप जाके उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। और आपको जो भी क्वेरी हो, जो भी डाउट हो, आप मेरे टेलीग्राम चैनल से आके जुड़िए, वहां पे आके पूछिए, मैं आपको बेस्ट एडवाइस दूंगी एज पर माय एक्सपीरियंस, जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है यहाँ इस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के एरा में, उसके हिसाब से मैं आपको बेस्ट एडवाइस दूंगी, बेस्ट सजेशन दूंगी। और अपनी प्रेपरेशन को अच्छे से तैयार रेडी करते रहिए, एग्जाम्स कभी भी हो सकते हैं, भले अभी पोस्टपोन हो जाए या कुछ भी हो जाए, आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कीजिए और बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, बाय बाय।